सिस्टर, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं। सॉरी माँ, आप सबको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, पर अब आपकी बहू लौट आई। मैं चाहे कितनी ही पहचान बदल लूं, पर मुझ पर ये रंग आज भी आपके बेटे का ही चढ़ा है। मैंने मिसेस कपूर का नाम जरूर पहना है, लेकिन सिर्फ नाम ही पहना है। मेरे कर्म तो आज भी आपके बेटे के साथ ही जुड़े हैं। जल्दी से ठीक हो जाइए माँ, आपको और मुझे मिलकर दादाजी के घर की रौनक फिर से लानी है। हमने नरेन बाबू को जो जख्म दिए हैं, उन्हें साथ साथ मिलकर भरना है। इस घर के बीते दिन फिर लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे। सी, मिस्टर कपूर यूएस में सेटल है, पूरी दुनिया में इनके बहुत से बिजनेसेस हैं, और इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं। इस फाइल में मिस्टर कपूर की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। 3 महीने पहले ही उन्होंने फिर से शादी कर ली थी। नरेन बाबू ने भले ही नफरत को अपनी दर्द की दवा बना लिया, लेकिन मेरे घाव आज भी उन्हें तकलीफ देते हैं, वरना मुझे वो ये मरहम नहीं देते। नरेन बाबू चाहे लाख छुपा लें, लेकिन उनकी सूनी आंखों में आज भी वही नरेन कहीं दबे हुए दिखते हैं। मैं नरेन बाबू को मुझसे नफरत के इतने मौके दूंगी कि उनकी नफरत थक कर हार मान जाएगी। नरेन बाबू, आपके अच्छे समय की शुरुआत फिर से होने वाली है। अपनी बीवी को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। शिकागो के एक छोटे से मंदिर में पूजा और मिस्टर कपूर ने शादी की। एक छोटा सा इवेंट था, इसलिए ना प्रेस ना मीडिया कोई भी इनवाइटेड नहीं। नमस्ते मामा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ लड़की। पता नहीं आज क्यों सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे तू घर आने वाली है। 100 बार दरवाजे के चक्कर लगा चुका हूं मैं, लगता है उम्र तेरे मामा पर असर दिखाने लगी है। आप भी ना मामा, मैं तो न्यूयॉर्क आई हुई हूँ किसी काम से। मामा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? अच्छा बेटा। सही वक्त आने पर मैं आपको सारी बात बता दूंगी मामा, तब तक के लिए इस झूठ के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। भाई, छल की आदत पड़ जाए तो इतनी आसानी से जाती नहीं।
थैंक्स मैम। अब अगले एक घंटे के अंदर मिसेस कपूर के पति की कंपनी व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाएगी और ये शुभ काम मिसेस पूजा कपूर खुद करेंगे। सुरभि, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ नरेन, बोलो ना। मयंक, ये सब क्या हो रहा है? बुआ, बरसी की तैयारी हो रही है। पंडित जी, जी बरसी की पूजा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी बरसी। नरी, तुमने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही फ्रेम तैयार करा दिया। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए डॉक्टर त्रिपाठी। आज से 24 घंटे आप पेशेंट के आसपास रहेंगे। पेमेंट्स की फिक्र मत कीजिएगा। आज से आपकी कंसल्टेशन फी डबल। और हाँ, हर घंटे मुझे एक रिपोर्ट चाहिए विदाउट फेल। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चीतरंजनम सदैव। यजमान, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अब आप पिंडदान करें। अनादि निधिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव पिंडम समर्पयामि। मिसेस कपूर, मृत इंसान की बरसी रिश्तेदारों के बिना पूरी कैसे हो सकती है?
पूजा? तू यहां? हमें तो पता ही नहीं था कि तू इंडिया आ रही है। लड़की, ये सब क्या तमाशा है? नरेन बाबू ने तो हमें फोन करके कहा था कि व्यास मेंशन में दावत है, पर यहां मिस्टर गुप्ता, इतनी बड़ी हस्ती की बरसी किसी दावत से कम कहां? राइट मिसेस कपूर? कपूर, पूजा, ये मिसेस कपूर का क्या चक्कर है? व्हाट? भांजी इंडिया आ गई और आपको बताया तक नहीं यहां तक, तो फिर भी ठीक है। मैडम ने दूसरी शादी कर ली, अरे इनविटेशन छोड़ो, खबर तक नहीं। दूसरी शादी? नॉट डन मिसेस कपूर। मिस्टर गुप्ता, मुझे तो लगता है अभी आपको भी अपनी भांजी का पिंडदान कर ही देना चाहिए। बस एक सजेशन था, फोन पे बात करते वक्त जरा संभल कर, यू नेवर नो, दीवारों के भी कान होते हैं। आप भी ना मामा, मैं तो न्यूयॉर्क आई हुई हूँ किसी काम से। मामा मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। आंसू ढलकाना हो गया हो तो कृपया हमें बताएगी कि ये दूसरी शादी का चक्कर क्या है? तुमने तो हमसे यही कहा था ना कि तुम्हारी सास ने खुद तुम्हें विराट भेजा। मानना पड़ेगा मिसेस कपूर, आप तो पूरी झूठ की दुकान निकली। वैसे इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, एक बार झूठ का चस्का लग जाए तो इतनी आसानी से जाता भी नहीं। मिसेस कपूर आप रोती भी है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ रुलाना आपकी खूबी है। अनुज, अपनी मां को लेकर बाहर जाओ, मुझे पूजा से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ बंधु, बेचारी
इसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसके खानदान वाले ही उसकी जान लेना चाहे। लड़की, तूने मुझे बिना बताए दूसरी शादी कर दी, लेकिन मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि मुझे अपनी पूजा पे और उसकी हर वजह पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब जब तू किसी के साथ बंधन में बंधी गई है, तो फिर इस महल से और इस महल के लोगों से इतना मोह क्यों? अब तो इस घर की तरफ कभी पलट कर नहीं देखेंगे। चल, अब यहां तेरा बसेरा नहीं है। सॉरी मामा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। मामा, आपको मुझ पर और मेरी वजह पर भरोसा है ना? तो बस इसी भरोसे के खातिर आप मुझे एक और मौका दे दीजिए। ठीक है, आज के बाद ना मैं कभी तुझसे कुछ कहूंगा और ना ही किसी बात की उम्मीद रखूंगा। आप लोग आज अपनी बहू की बरसी मना रहे हैं ना? तो हमारी तरफ से भी इसकी फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दीजिएगा। मामा, मामा मेरी बात सुनिए। इस वक्त मुझे बस आपके भरोसे और वक्त की जरूरत है। अगर आप भी मुझसे नाराज हो गए तो मैं चैन से जी नहीं पाऊंगी। मामा, मामा मेरी बात समझिए। मामा, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना पूजा। हमारा नहीं तो अपने मामा के ही लाड़ का लिहाज कर लेती। बहुत दर्द होता होगा ना जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अपने चाहे कितने रूठ जाएं, संभालते भी तो वही है। इंटरेस्टिंग। वैसे अगर आप चाहे तो आपके रूठे मामा मामी को मैं मना सकता हूं, पर बस बदले में आपके पति की कंपनी, आई मीन मिस्टर कपूर की कंपनी मेरे नाम करनी होगी। आपको लगता है कि मैं एग्री करूंगी? अपनों के धागे इतने भी कमजोर नहीं होते मिस्टर व्यास कि उन्हें ब्लैकमेल की सहारे की जरूरत पड़े। आपके एहसान की जरूरत नहीं। Your wish. हेलो, मेरी फिक्र मत कीजिए।
मैं ठीक हूँ, खुद को संभाल लूंगी मैं। बस एक बार आपको देख लूँ तो हिम्मत बढ़ जाएगी। आप ऋषिकेश पहुंच गए? ठीक है, मैं आपसे मिलने आती हूँ मिस्टर कपूर।